2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, आज 2022 में 8 लाख एकड़ कैसे हो गई? उनसे जाकर सवाल पूछिए। अडानी भी तो 2008 से जब सुनने में आ रहा था 10वें 11वें, अब दूसरे नंबर पे, फिर हम कैसे बताएंगे? अडानी जी दूसरे नंबर पे। आंदोलन का जो विषय था वो मैंने आपको स्पष्ट किया है, ये भी तो बताइए ना। हमारा समय अभी समाप्त हुआ है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आज जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है वो हिंदू राष्ट्र को लेकर हो रहा है। कितने प्रताड़ित किए जा रहे हैं हिंदू, और लगातार उनके ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, तो वही सब जानते हैं अभी इन्हीं से। सर क्या नाम है पहले? मेरा नाम कार्तिक है। हाँ। कार्तिक सालों की और हिंदू जन जागृति समिति की ओर से मैं बात कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन यहाँ पर लिया गया ये हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं लिया गया, ये मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज के आंदोलन के प्रमुख रूप से दो विषय है पूजा जी, मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार दिए गए हैं, उस माध्यम से आज वक्फ बोर्ड के पास बड़ी मात्रा में संपत्ति है। आज भारत में सबसे पहली बड़ी मात्रा में अगर हम देखते हैं तो भारतीय सेना के पास सबसे बड़ी मात्रा में जगह है, उसके बाद हम देखते हैं भारतीय रेलवे के पास है, और तीसरे स्थान पर हम देखते हैं तो वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी अधिक जमीन है। तो उन्हें जो ये अधिकार दिए गए उसको निरस्त किया जाए, इस मांग को लेकर आज यहाँ पर जंतर मंतर पर आंदोलन किया गया है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा, इंग्लैंड जैसे सेकुलर देश में लेस्टर, ये जो वहाँ का शहर है, वहाँ पर हिंदू बहुल समाज रहता है, वहाँ पर गुजराती समाज के कुछ रहते हैं, वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर है, वहाँ पर षड्यंत्र के तहत इंडिया और पाकिस्तान का मैच था एशिया कप, उस माध्यम से अलग अलग समाज के लोग एकत्रित हुए थे, उनको भड़काने का प्रयास किया गया। किसने भड़काया? वहाँ के जो सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ के एक मुसलमान व्यक्ति है, मनित नाम है उसका, तो उसने भड़काने का प्रयास किया, और उन्होंने ऐसे कहा कि ये लोग किस प्रकार से एक हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की का अपहरण किया, ये अफवाह फैलाई गई, और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने ये स्पष्ट कर दिया गया था कि ये झूठी प्रचार किया गया, इस माध्यम से दुष्प्रचार कर वहाँ के मुसलमानों को भड़काया गया और वहाँ पर मंदिर के ऊपर आघात किया गया। ये जो है ना, इसका निषेध व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर हमने आंदोलन लिया गया है। ये प्रमुख दो विषयों पर है, और ये जो विषय है इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हम भले ही वो इंग्लैंड में हुआ हो लेकिन हम तो यहाँ भारत में रह रहे हैं, वो हिंदू है, तो हिंदू होने के नाते हमारा धर्म कर्तव्य है। एक मिनट, आपने इंग्लैंड की बात करी मगर हिंदू राष्ट्र की भी आप मांग कर रहे हैं, लेकिन ये जो भारत में जी, मैं आपको फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र के ऊपर आंदोलन नहीं था। ये मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। अच्छा। अगर आप हिंदू राष्ट्र के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो जनहित चैनल से मैं आह्वान करता हूँ, आप हमें बुलाएं, हम वहाँ पर आकर हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है, क्या सच में हिंदू राष्ट्र आने पर देश की स्थिति बदलेगी, का ये सब जानकारी यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। ये समय उचित अच्छा, नहीं है। यहाँ पर हमारा आंदोलन का समय समाप्त हुआ है, आपके निवेदन करने पर मैं यहाँ पर आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, हमारा समय यहाँ पर पूर्ण हुआ है। मैं पूछना चाह रही हूँ वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो एकड़ों आप सैकड़ों और एकड़ों बता रहे हैं जमीन पे कब्जा किया हुआ है मुस्लिमों ने, लेकिन हिंदू जो है और उन्होंने संस्कारी हिंदू ब्राह्मण जो बताते हैं उन्होंने भी तो मंदिर बना बना के प्राचीन मंदिर, वो भी तो कब्जा है। पूजा जी मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आज भारत का ही एक हमारा राज्य है तमिलनाडु, इस तमिलनाडु राज्य में एक पूरे गांव को वक्फ बोर्ड आकर बोलता है कि यह पूरा गांव हमारा है, उसको वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है। आज 2000 वर्ष पुराना जो मंदिर है वहां पर वक्फ बोर्ड आकर बोलता है कि यह वक्फ की जमीन है। अब ये जब ऐसे होता है तो जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, आप सुन लीजिए, यहाँ पर भी तो लाखों बस्तियां उजाड़ कर मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको भी तो बस्तियों हटा दिया है, वहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं, उसका क्या? वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी अधिक जमीन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हाँ। और ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसके ऊपर इसका विरोध करने के लिए उनको जो अधिकार दिए उसको निरस्त करने के लिए तो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे मंदिर बनने चाहिए, और मंदिर को मंदिरों के लिए हमें अधिकार लेकर एकड़ों तो एकड़ों सैकड़ों जमीन तो ब्राह्मणों ने जो भी हमारी परमिशन से वो लेकर हम कर सकते हैं, प्रशासन से जो संवैधानिक अधिकार है उसके आप प्रोसेस फॉलो करके जो आपको है वो आप कर सकते हैं, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, वो करने की प्रक्रिया है, सबके लिए उपलब्ध है,
आप मंदिर बनवाने की प्रक्रिया, लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही क्यों चालू हो जाती है? वही बात कर रहा हूँ, यहाँ ब्राह्मणों के ब्राह्मण संतु साधु कोर्ट से जाके पूछिए, तो ये एजेंडा चला रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम कहाँ चला रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड से आप पूछिए कि 8 लाख 2009 में, ये मैं डेटा बता रहा हूँ, 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, आज 2022 में 8 लाख एकड़ कैसे हो गई? उनसे जाकर सवाल पूछिए। अडानी भी तो 2008 से जब सुनने में आ रहा था 10वें 11वें, सवाल दूसरे नंबर पे, फिर हम कैसे बताएंगे? अडानी जी दूसरे नंबर, आंदोलन का जो विषय था वो मैंने आपको स्पष्ट किया है, ये भी तो बताइए ना, हमारा समय अभी समाप्त हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बोलेंगे, अगर मेरे सवाल नहीं लेंगे तो फिर ये इंटरव्यू कैसा? आप अपना ही बोल रहे हैं, मेरे को भी बताइए अडानी दो विषय बता दिया, दूसरे नंबर के व्यक्ति कैसे हो गए 8 सालों के अंदर? उनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो प्रशासनिक रूप से कार्रवाई चल रही है, अडानी पे कौन सी निवेदन करेंगे प्रशासन से? बिल्कुल नहीं सर, ये अडानी दो नंबर के व्यक्ति कैसे हो गए? आप अगर 8 साल के, पूजा जी आप आज के विषय को छोड़कर यदि आप ऐसे, आप लोग ये बताइए ना मुझे, मैं देखिए आपने अपने सवाल बता दिया, आंसर आपको बता दिया, विषय पे ही मैं बात कर रही हूँ, विषय पे ही हम आपको इसमें जानकारी, लेकिन सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया है, मैं जवाब ले रही हूँ, आप जवाब नहीं दे, उसके बारे में जानकारी दी है, सुबह 10 बजे से मैंने भी तो आपसे पूछा कि इतनी जमीन जो जब्त की हुई है सन्यासी साधु संतों ने, मंदिर बनाए हैं, प्राचीन मंदिर नाम दे दिया जाता है, अभी मैंने खुद सुनिए ना, आप जो भी करना है वो प्रक्रिया कर सकते हैं, जहांगीरपुरी से आगे में जा करके वो मंदिर कुछ टाइम पहले उसका जो है स्ट्रक्चर बन रहा था मेरे सामने, उसको प्राचीन मंदिर का नाम दे दिया जाता है, उसको आप प्राचीन बता देते हैं ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो जाने की ये प्राचीन मंदिर है, बनाया उसे 2008 में जा रहा है, 11 में जा रहा है, संविधानिक रूप से गलत है तो उसका विरोध ही होना चाहिए, जब्त कर ले रहे हैं ना, उन पे कब होगा? विरोध करना चाहिए ना, आप पत्रकार हैं, आप जाकर पूछ सकते हैं, सवाल नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पर हम सवाल ले नहीं पा रहे, हमारा समय दो नंबर के अडानी दो नंबर पे कैसे आए सर, आपसे मैं पूछ ले, आप भी बता दीजिए, टाइम को काफी ओवर हो चुका, क्वेश्चन ही तो पूछ रही हूँ, आप लोग बता ही नहीं, टाइम क्या खत्म हो गया, अभी तो खड़े ही है ना, निवेदन को समझते हैं या आप अपनी खड़े रहते हैं? निवेदन मैडम मैं समझ रही हूँ, धन्यवाद मैडम, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, धन्यवाद, आप कुछ ही लोग आए हैं बग बोर्ड के लिए लड़ने के लिए, आप सभी निर्णय कर लीजिए, आप जो बात कर लीजिए, कुछ ही लोग आए हैं, धन्यवाद। तो देखिए अभी जो है मैंने इनसे कुछ सवाल लेने की कोशिश की तो उस जवाब देते बना नहीं इन लोगों से, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जब्त किया हुआ है, सन्यासियों ने साधु संतों ने अगर जब्त किया हुआ है, मैंने उस पर कुछ सवाल लिए तो सवाल ना लेते हुए उन्होंने हाथ जोड़ लिए, मैडम से भी सवाल किया तो वो बोल रहे हमारा समय खत्म हो गया है, लेकिन अब ये देखिए दिलचस्प बात देखिए कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो सरकार लगातार कब्जा कर रही है या सर्वे करवा रही है, मगर ये मंदिर जो मंदिर और पुजारी साधु संत हैं जो जब्त कर बैठ जाते हैं, और जो मंदिर 2014 में 16 में बनाए जाते हैं उसको प्राचीन मंदिर का नाम दे दिया जाता है, तो वो देखिए कि क्या ये जब्त नहीं है? हजारों गरीब मजदूरों की बस्तियां उजाड़कर मंदिर बनाए जाते हैं, क्या ये जब्त नहीं है? लेकिन आप ये देखिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा करवाने वाले लोग जो उसकी मां उठाकर यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे, कुछ ही लोग थे और सवाल लेते बने नहीं लेकिन भागते हुए नजर आए, आपने खुद कैमरा पर देखा कि मैं उनसे सवाल ले रही हूँ, सवाल कर रही हूँ, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अडानी दो नंबर के आदमी कैसे बने, कैसे वो इतना पैसा कहाँ से आया, उसका भी जवाब वो नहीं दे पाए। तो ये है हिंदू राष्ट्र की हकीकत और असलियत कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहना जानते हैं, लेकिन कोई पत्रकार अगर इनसे सवाल करे तो ये अपना निवेदन दिखा देते हैं कि हमारा समय समाप्त हो गया और हम ये जाके आप सरकार से पूछिए, सरकार से पूछने के लिए बोल तो देते हैं लेकिन सरकार जो है वो पत्रकारों को जवाब कहाँ देती है, मोदी जी के पास टाइम ही कहाँ है जो हमें इंटरव्यू दे, जब रवीश जैसे पत्रकार के पास वो आ नहीं सकते, वहाँ इंटरव्यू नहीं दे सकते तो हमें कहाँ से देंगे। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बन रहा है और किस तरीके का ढांचा तैयार किया जा रहा है इन्हीं कुछ लोगों के, चुनिंदा लोगों के साथ मिलकर के, आप देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर।